वो देख सरस्वती वहां पूजा कर रही है। तुझे तैरना आता है ना? हाँ तैरना आता है ना? तैरना ना? हाँ पक्का पक्का तैरना यार, तैरने क्या बता? बस 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 यार एक काम कर, तू नदी में कूद और अंदर से जाकर सरस्वती की टांग खींच दे बस। तू पटाने की कोशिश कर रहा है या डुबाने की? अरे डूबेगी कैसे, मैं बचा लूंगा। जा आज मंगलवार है ना? हाँ पानी में मैं जाता नहीं हूँ, माँ ने मना किया बचपन से। अरे मंगलवार से पानी का क्या मतलब यार, तू जाता कि नहीं? तुझे दोस्ती की कसम। कसम मत दे यार गुरु, तेरे लिए आग में कूद जाऊंगा। पानी की बात कर रहा, तैरने की बात कर रहा, पानी की बात कर रहा तू? भगवान मेरे को तैरना नहीं आता, नहीं आता मेरे को तैरना। बचा बचा बचा। घसीटा फिर बचाया, अब दांत दिखा रहा है, समझा क्या है मुझको बेवकूफ। हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, इस कलयुग के हनुमान ने नदी का पूरा पानी पी लिया है। मैं कहता हूं गंगा जमुना से काम चला लो, सरस्वती अपने बस की बात नहीं है। एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? तूने अभी अभी कहा है कि तू कलयुग का हनुमान है, अब ये हनुमान जी हमारा काम करेंगे। हे बजरंग बली, अब किस मुसीबत में डाल रहे हो भाई? तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं पधारे हैं तुम्हें दर्शन देने। मैं तो भाग्यवती हो गई प्रभु। मगर हम तुमसे नाराज है बालिके। मुझसे क्या पाप हो गया प्रभु? तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? आप ही कह रहे प्रभु जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी है। ये युग युग की बात है बालिके, वो सतयुग था जब हमने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा की थी, ये कलयुग है
इस कलियुग में शादी नहीं करना घोर पाप है बालिके, घोर पाप है। हमने शादी नहीं की, हमारा वंश खत्म हो गया। मनुष्य में शादी नहीं करेगा, इस विश्व में हमारा एक भी भक्त नहीं होगा बालिके, एक भी भक्त नहीं होगा। हे राम, बात तो आपकी सत्य है, मगर 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 कुछ नहीं, हमारा काम मानो, शादी कर लो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मगर मेरा होने वाला पति कौन होगा? उसकी चिंता तुम मत करो, कल सुबह 10 बजे मंदिर चली जाओ, वहाँ तुम्हें एक सज्जन काली पैंट सफेद शर्ट में तुम्हें दिखाई देगा, वही तुम्हारा पति होगा। ठीक है प्रभु, मैं कल ही जाऊंगी। जरूर जाना, मगर याद रखना वो मेरा प्रिय भक्त है, काली पैंट सफेद शर्ट। अब आंखें बंद कर लो। क्यों प्रभु? मन ही मन में मेरा ध्यान करो। जय जय राम, 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 जय जय राम। कल सुबह ठीक 10 बजे काली पैंट सफेद शर्ट। प्रभु कुछ गलती हो तो क्षमा करते, मगर इन दोनों को मिला दे मेरे प्रभु। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ए डुंगरूस, तुझे अच्छी तरह से याद है ना, तूने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही कहा था। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैंने सरस्वती को बोला है व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। क्या बोला? क्या बोला? अरे तूने अभी बोला कि व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। तूने जो कहा ना वही मैंने कहा। अरे डुंगरूस यार, तू मरवा देगा। तूने मुझे कहा था कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, मैं वही पहन कर रहा है। अभी तू कह रहा है कि नहीं व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। पहले जो कहा ना वो करेक्ट है। अरे डुंगडूस दिमाग पर जोर डाल, क्या बोला था बोल। क्यों कंफ्यूज कर रहा तू भाई मेरे? देखो मैंने सरस्वती से ये तुमने पक्का कहा है, एक पैंट एक ब्लैक एक व्हाइट, ये बनेगा। अरे यार तू मरवा देगा। मगर जो तूने पहना है ना वो करेक्ट है ना, परफेक्ट है। चल कहीं मर गए। अरे कुछ नहीं होता भाई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बराबर है। अबे नहीं यार, उधर देख, इधर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, इधर ही आ रहा है। सरस्वती वहां पहुंच गई ना, गड़बड़ हो जाएगा, भगा उसे। अभी भगाता हूं। अबे भगा। एक पूजा करने हैं, आगे बंद करो। शाबाश। अरे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं इस मंदिर में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आना मना है? शर्ट मेरी पैंट मेरी, तेरा क्या जा रहा है? ज्यादा बात किया तो पैंट से निकाल के नंगा भेज दूंगा। ये पकड़, पकड़, निकाल निकाल, कट। सपने में आए और कहा कि काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के मंदिर पहुंच। देखिए काली पैंट और व्हाइट शर्ट। मैंने ही आपको गलत समझा था, उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल भगवान आपके सपने में आए थे, मुझे तो उन्होंने स्वयं दर्शन दिए, मुझसे कहा मंदिर में जो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में मिलेगा वही मेरा होने वाला पति होगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मगर भगवान की यही इच्छा है। अगर भगवान की इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। एक बात कहूं, भगवान की इच्छा बहुत सुंदर है।